लगातार गंभीर बीमारी से जूझ रहे अरुण जेटली ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने साफ कर दिया है कि वे इस बार मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। जेटली ने लिखा है, पिछले 18 महीने से मैं बीमार हूं, मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मुझे मंत्री न बनाने पर विचार करें। बता दें कि 30 मई को पीएम मोदी और उनका मंत्रिमंडल राष्ट्रपति भवन में शपथ लेगा। जेटली की चिट्ठी के बाद मोदी कैबिनेट की स्थिति अब साफ हो रही है। पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इस मुद्दे पर 5 घंटे तक बैठक भी की है। कहा जा रहा है कि अमित शाह भी कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं और उन्हें वित्त मंत्रालय या गृह मंत्रालय दिया जा सकता है। कुछ अटकलों में शाह के रक्षा मंत्रालय भी संभालने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि ये सब केवल अटकलें हैं, क्योंकि आने वाले समय में महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। साथ ही दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव और बिहार में 2021 में चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी का एक बड़ा वर्ग चाहता है कि शाह ही अध्यक्ष बने रहें। मिली जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का प्रभार देने में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि अधिकतर मंत्रालय देने में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए जाएंगे और ज्यादातर पुराने मंत्री ही रहेंगे, लेकिन बंगाल, उड़ीसा और उत्तर पूर्व में हुए बदलाव के बाद कुछ नए समीकरणों पर भी विचार किया जा सकता है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।